हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल स्त्री लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? सुबह के 5 बज गए हैं और अब मैं उठ गई हूँ। आज मैं उठते ही सबसे पहले पढ़ने के लिए आ गई हूँ, तो मैं पहले अपना वोकेबलरी लर्न करूँगी और फिर उसके बाद खाना बनाने के लिए किचन में चली जाऊँगी। फ्रेंड्स, कभी कभी लाइफ में ऐसा टाइम आता है जब इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाता है। अंदर से ऐसा लगता है उसको जैसे सारी प्रॉब्लम्स उसके पास ही आ गई है। ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स ने उसको आके चारों तरफ से घेर लिया है। तो फिर वो इंसान सोचता है कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। और ऐसा कभी ना कभी हर इंसान की लाइफ में टाइम आता है कि हम ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हमेशा। पर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, सब इंसानों के साथ ये सब प्रॉब्लम्स चलती है। बस कुछ होते हैं जो उनको फेस कर लेते हैं और कुछ होते हैं जो उनसे डर जाते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम्स हमारी हिम्मत से बड़ी नहीं होती है। इसीलिए अपनी हिम्मत को इतना बड़ा कर देना चाहिए हमें उस टाइम पे कि कोई भी दुख आए, कोई भी परेशानी आए, तो अपनी हिम्मत को इतना बड़ा कर दो कि आप दुख उसके आगे छोटा पड़ता है आपका। हर इंसान को इस प्रॉब्लम वाले फेस से गुजरना पड़ता है, तो इसलिए उस टाइम पे झुकना नहीं है कि ये प्रॉब्लम है तो आज मैं स्टडी नहीं करूँगी या फिर, क्योंकि गर्ल्स को तो हर महीने भी प्रॉब्लम होती है, तो उसमें भी अगर वो 4 दिन तक स्टडी छोड़ दें तो फिर क्या होगा। इसीलिए और ये प्रॉब्लम्स हमें मजबूत बनाने के लिए आती है कि हम मजबूत बने, इनको फेस करके हमें इनको आसानी से फेस करना सीख जाएं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में आने के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया है अपना आज का काम। और फ्रेंड्स, आज मैंने पहले से ही फ्रेश हो लिया है, नहा लिया है, क्योंकि आज मुझे किचन में नहा के आना था, तो इसीलिए मैंने पहले से ही नहा लिया है। तो अभी मैं बना रही हूँ सब्जी और अपने लिए चाय बनाऊँगी, क्योंकि चाय पीने का बहुत मन कर रहा है आज सुबह पे जल्दी। इसीलिए फ्रेंड्स, ये लाइफ एक चैप्टर की तरह है, जैसे बुक होती है ना, उसमें वन बाय वन एक एक चैप्टर होते हैं। तो हम जैसे जैसे पेज पलटते हैं तो नया चैप्टर ओपन होता जाता है। उसी तरीके से लाइफ का भी एक एक पेज हम जैसे पलटते हैं तो नया चैप्टर ओपन होता है। तो हम जब ज़िंदगी का लाइफ का पेज पलटेंगे तो हमारी लाइफ में भी नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमें प्रॉब्लम से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, वो आज है तो कल नहीं रहेगी हमारी लाइफ में। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, जब कोई रिलेशन टूटता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। किसी के जाने से हमारी लाइफ में हमें लगता है कि अब हम उसके बिना रह नहीं सकते हैं। मतलब उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि शायद हमें मरना भी मंजूर हो जाता है। पर फिर थोड़ा टाइम गुजर जाने के बाद में हम जब उसके बिना रहना सीख जाते हैं तो फिर हमें ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ कि वो इंसान मेरी ज़िंदगी से चला गया, नहीं तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। ऐसा होता है ना फ्रेंड्स? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मेरे वीडियो का वॉच टाइम तो बढ़ रहा है और व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो पर सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए कल मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट थी कि मैंने इतने वीडियो डाल दिए, कम से कम 14 वीडियो मैंने डाल दिए हैं और उसके बाद भी मेरा एक ही सब्सक्राइबर है। तो फिर काफ़ी टाइम तक मैंने उसके बारे में सोचा, फिर मैंने सोचा कि ये प्रॉब्लम तो शुरू शुरू में हर यूट्यूबर के साथ होती होगी, तो इसमें मुझे इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने उसको छोड़ा और फिर मैं लग गई अपना व्लॉग शूट करने में। इसीलिए फिर मैंने अपना व्लॉग शूट करना स्टार्ट कर दिया और अपनी लाइफ का एक नया पेज पलट लिया, क्योंकि अगर मैं उसी पेज पर रहती तो शायद आज मैं ये व्लॉग शूट भी नहीं करती और आप लोगों को डालती भी नहीं।
पर मुझे पता है कि कभी ना कभी मुझे सपोर्ट ज़रूर मिलेगा अगर मेरे वीडियोस में थोड़ा भी मोटिवेशन होगा, और थोड़ा भी मोटिवेशन किसी को मेरे वीडियोस से मिलेगा तो लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फ्रेंड्स, रोज़ रोज़ एक ही रूटीन फॉलो करके मैं बहुत बोर हो गई हूँ। अब काफ़ी टाइम से मेरा ये 5 AM वाला ही रूटीन चल रहा है कि 5 बजे उठ के और फिर बस खाना बनाना, ये सब करना। तो इससे क्या है, अब मुझे बहुत बोरिंग फील हो रहा है। तो अब मैं चाहती हूँ कि मेरे रूटीन में थोड़ा चेंज किया जाए। तो इसीलिए मैं अपना रूटीन बहुत ही जल्दी चेंज करने वाली हूँ, क्योंकि रूटीन थोड़े टाइम में बदलते रहना बहुत ज़रूरी है, वरना एक ही रूटीन से हम बोर होने लग जाते हैं और फिर हमारी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपने काम के साथ साथ ही अपने किचन की क्लीनिंग भी करती जाती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा सामान वहाँ पे रखा हुआ है उनको तुरंत ही जमा देती हूँ, उनका काम ख़त्म होते ही। तो इससे क्या है, मेरा बाद का काम इजी हो जाता है और बढ़ता नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपने लिए बिस्किट निकाल रही थी, क्योंकि सुबह का टाइम है तो खाली पेट चाय पीना ठीक नहीं होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं उसको उठाने के लिए आई थी तो मैं थोड़ा बुक लेके बैठ गई थी, तो वो उठ के और मेरे पास मेरी गोदी में ही लेट गया था। इसके बाद मैं उसका टिफ़िन पैक कर दूँगी और उसको स्कूल के लिए रेडी कर दूँगी, और फिर अब बाकी की पढ़ाई तो उसके जाने के बाद ही होगी। तो अभी उसको तैयार करना मुझे इतना नहीं पड़ता, क्योंकि वो इतना भी छोटा नहीं है, वो कर लेता है थोड़ा अपना काम, ना खुद से ना लेता है, पर फिर भी मैं उसको कभी कभी खुद नहलाती हूँ, और कभी कभी उसका मन होता है तो वो बोलता है तो उसको खुद से भी करने देती हूँ, क्योंकि बच्चों को खुद भी हमें करने देना चाहिए, इससे उनको भी अच्छा लगता है, वो खुश रहते हैं। यहाँ पे हो गया है उसका टिफ़िन पैक, रोज की तरह उसको रोटी सब्जी ही ले जानी पड़ रही है, क्योंकि उसके स्कूल में रोटी सब्जी ही अलाउ है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि वो अदर सब लाते हैं तो उनकी मैम डांटती है, इसीलिए फिर यही सब देना पड़ता है। वो खुद ही मना कर देता है, अगर दो तो कि मम्मा नहीं आप रहने दो, मैम डांटेगी। तो उसको स्कूल छोड़ने के बाद मैं आ गई हूँ वापस से अपने स्टडी के लिए। तो अब मैं स्टडी कर रही हूँ और यहाँ पे मैं फॉर्मूला लर्न कर रही हूँ मैथ्स के, क्योंकि मैं मैथ्स डेली ज़रूर पढ़ती हूँ, चाहे कोई और सब्जेक्ट पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, पर मैथ्स पढ़ना मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे मोटिवेशन दे ताकि मैं और वीडियो बना। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, और आपकी लाइफ में मोटिवेशन मैं इसी तरीके से भरती रहूँगी और आपको इनकरेज करती